Hello and welcome everyone. Spoken English course दसवां दिन and today I would like to introduce you to the model verb would. मतलब आज आप would model verb से दोस्ती करने वाले हैं और trust me अगर would इंसान होता ना तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता. इसका मतलब ये हुआ कि would model verb हमें सीखना है एक अच्छी नौकरी लेने के लिए, job interviews में इंटरव्यूअर से इंग्लिश में बात करने के लिए. और अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं आपके हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ और वो आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराती हैं अपने वर्कमेट से या कोलीग से, तो आप उनसे भी इंग्लिश में कैसे बात करेंगे ये वुड मॉडल वर्ब आपको उसका बहुत सारा कॉन्फिडेंस देने वाला है. इसके साथ साथ अगर आप बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हैं और वहाँ पर आपको बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बात करना होता है टीचर्स से, तब भी वुड मॉडल वर्ब चाहिए. तो ये वीडियो आपका 17 मिनट्स का है पर आपको इस वीडियो को समझने के लिए पूरे दिल से कम 3 से 4 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे और आप इसके ऊपर 3 दिन स्पेंड करें. कभी भी अपने आप को एक टीचर तक लिमिट ना रखें. बहुत कुछ सिखाएगी आपको ये वीडियो, पर उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं, जाओ सारी वीडियोस वुड की देखो जितनी भी यूट्यूब पर पड़ी हैं. पर 3 दिन के बाद 70% ये वाला मॉडल वर्ब हमें समझ आना चाहिए और इससे जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं वो आपको बस इंग्लिश में बोलने शुरू करने हैं. नेक्स्ट वीडियो उसके बाद ही आएगी जब आप यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बताएंगे कि हाँ मैं वुड की हेल्प से जितने सेंटेंस बनते हैं मैं वो सब इंग्लिश में बोलने लगा हूँ या लगी हूँ. उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी. तो किस तरह के सेंटेंसेस आपको वुड मॉडल वर्ब सिखाएगा पहले फटाफट से ये देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं. तो पहला सेंटेंस है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करूँ तो. अगर आपको इसकी इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस टाइम चाहेंगे मैं आऊँ. लेट्स सपोज़ कि आपका एक इंटरव्यू है और आप एचआर को कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आप किस टाइम चाहेंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए आऊँ, तो आपको वुड मॉडल वर्ब से ये सेंटेंस बनाना है. लेट्स सी इफ यू कुड डू दैट. नहीं बन पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी वीडियो में आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है. मुझे नहीं पता था कि वो मना कर देगा, मुझे नहीं पता था कि वो मना कर देगा, यहाँ वुड क्यों आएगा ये भी एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मेरे को कहानियाँ सुनाया करते थे, यहाँ पर भी मॉडल वर्ब वुड चाहिए. और लास्ट सेंटेंस, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे. दोस्त होगा तो आप दोस्त को कह सकते हैं डू यू वांट टू कम विद मी, डू यू वांट टू कम विद मी. पर अगर आप किसी बड़े बंदे से बात कर रहे हैं या वो आपका भी दोस्त नहीं बना है तो आप उनको वुड से पूछेंगे कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे. सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसके लिए वीडियो देखकर प्रैक्टिस करें. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट लगती है यूजेस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं एक छोटी वीडियो और आपके लिए ऐड कर दूंगी जिसमें और बेसिक लेवल पर मैं वुड को पढ़ाना पसंद करूँगी आपको. वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लो स्क्रीनशॉट, इसमें मेरा जो टॉप है वो थोड़ा सा मिस्ड प्लेस हुआ है. आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. मेरे पास कैमरा मैन नहीं होता तो मुझे खुद एडजस्टमेंट्स करने होते हैं और कभी कभी आप फ्लो में होते हो बोलने के तो आप रियलाइज़ नहीं करते अगर कपड़े थोड़े बहुत इधर उधर जा रहे होते हैं, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना. ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू राइट आफ्टर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट. Hi, today let's learn all about the model verb would. Would has many uses, out of which the first one is to make humble and polite requests. जब आप humble और polite request करना चाहते हैं तो आप would use कर सकते हैं. Example, क्या please आप मेरे को वो water bottle pass कर दोगे. Would you please pass me that water bottle? क्या please आप ये door close कर दोगे. Would you please close this door? क्या आप please थोड़ा तेज बोलेंगे. वुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल अप. क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं आप हिंदी में इन्हें क्या से बोलते हैं, इसीलिए मॉडल वर्ब वुड सबसे पहले आई है. वुड यू प्लीज़ डू दैट, वुड यू प्लीज़ डू दिस. क्या आप प्लीज़ वो नहीं करोगे. वुड यू प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. क्या आप प्लीज़ मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर देंगे. वुड यू प्लीज़ बुक अ टैक्सी फॉर मी. क्या आप एक बार फिर कहेंगे आप क्या कह रहे थे. वुड यू प्लीज़ से दैट अगैन, वुड यू प्लीज़ कम अगैन एंड सो ऑन. इसी तरह आप रिक्वेस्ट करने के लिए एक वुड के साथ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, वुड यू माइंड. वुड यू माइंड का एग्जैक्ट मीनिंग है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा. सेंटेंसेस देखते हैं, क्या प्लीज़ आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं करेंगे। अब देखिए होता क्या है, आप हिंदी में बोलते हैं अपनी कार यहाँ मत पार्क करो, बट इट साउंड्स वेरी ऑफेंसिव एंड रूड। रादर आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ दिस एक्सप्रेशन वुड यू माइंड, और इस एक्सप्रेशन के साथ आप हमेशा वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करेंगे। वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हियर प्लीज़, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस, मतलब आप दूसरे बंदे से कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आप प्लीज़, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप ये काम ना करो। वेल यू कैन नॉट लिटरली ट्रांसलेट इट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी बिकॉज दैट विल कम अप विद ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग, पर आपको यहाँ पर ये समझना है कि इंग्लिश एक बहुत प्यारी लैंग्वेज है और ये एटिकेट्स का बहुत ध्यान रखती है। तो अगर आप फॉर्मल वे में किसी से कहना चाहते हैं कि आप वो ना करें क्योंकि आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, तब आप वुड के साथ वुड यू माइंड एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या प्लीज़ आप यहाँ स्मोक नहीं करेंगे, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज़, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज़, वुड यू माइंड टर्निंग द वॉल्यूम डाउन प्लीज़। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर देंगे अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। वुड यू माइंड टर्निंग द वॉल्यूम डाउन अ बिट, और यू कुड से क्या आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलेंगे। कायदे से बोलने के लिए यू सेड वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट लो प्लीज़, वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट लो प्लीज़। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ चलूँ तो, वुड यू माइंड इफ़ आई कम अलॉन्ग विद यू, वुड यू माइंड इफ़ आई कम अलॉन्ग विद यू। सेकेंड आप वुड को यूज़ करें जब आप पास्ट टाइम में फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मुझे लगा वो नहीं आएगी, आपको पास्ट टाइम में लगा और फ्यूचर के लिए कोई चीज़ लगी, मतलब आप पास्ट टाइम में फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर विल ना यूज़ करके हम वुड यूज़ करते हैं ऑलवेज। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स में से आता है, बट यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट मच डिटेल्स। सिंपल पास्ट टाइम में जब फ्यूचर की बात करेंगे तो विल ना यूज़ करके वुड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई थॉट शी वुड नॉट कम, I thought he would come, मुझे लगा वो आएगा। I thought he would come, उसने कहा वो 4 बजे आएगा। He said, comma, he would come at 4. मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, पास्ट में नहीं पता था और फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, तो आप कहें I didn't know it would happen, I did not know it would happen. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पास्ट में फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। आई हैड नॉट थॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 एक्शंस हैं, पहले एक्शन के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैडंट थॉट इट वुड हैपन, आई हैड नेवर थॉट इट वुड हैपन, मुझे लगा वो मेरे पैसे रिटर्न कर देगा। आई थॉट ही वुड रिटर्न माई मनी, आई थॉट ही वुड रिटर्न माई मनी। तो इस तरह आप पास्ट टाइम में फ्यूचर की बात करने के लिए वुड को यूज़ करें। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कोलोकेशन वुड लाइक टू टेल योर प्रेफरेंस। जैसे मैं चाय पीना पसंद करूँगा, आप अपनी प्रेफरेंस बताना चाहते हैं, तब कहें आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। Or imagine yourself sitting at a restaurant and you want to order food for yourself. Even at that time, you could use this beautiful collocation would like. I would like to have so and so thing. Whatever you decide to order from the menu, you could say, I would like to order Manchurian with fried rice. मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन पर्सन। इन पर्सन मतलब अकेले में, आई वुड लाइक टू टॉक यू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन पर्सन। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो, आई वुड लाइक टू मेक यू अ सजेशन इफ़ यू डू नॉट माइंड, आई वुड लाइक टू मेक यू अ सजेशन इफ़ यू डू नॉट माइंड। मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू समडे, मैं आपसे किसी दिन मिलना चाहूँगा, I would like to meet you someday. You can also frame a lot of questions using this collocation would like to know about people's preference or their wishes. Like, let's suppose we together go to a restaurant and I want to know that what would you like to order. So I'll speak out the sentence, what would you like to order or what would you like to have. आप क्या खाना चाहेंगे, what would you like to have. या फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ, मैं तब कहूँगी would you like me to drop you somewhere. Would you like, क्या आप चाहेंगे, would you like कि मैं, तो यहाँ पर टू की प्लेसमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। वुड यू लाइक, आप कोई काम नहीं करेंगे तो आई कैन नॉट से वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू ड्रॉप मी समवेयर। आई वांट टू से दैट, क्या आप चाहेंगे मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं, तो इंग्लिश होगी वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप यू समवेयर। क्या आप चाहेंगे मैं आपके लिए म्यूज़िक प्ले करूं, वुड यू लाइक मी टू प्ले सम म्यूज़िक फॉर यू, वुड यू लाइक मी टू प्ले सम म्यूज़िक फॉर यू। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके बॉस से बात करूं, वुड यू लाइक मी टू टॉक टू योर बॉस। अगर यहाँ पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट ना करके ऑर्डर देना चाहते हैं तो वुड लाइक की जगह वॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस से जाने से पहले सारा काम कंप्लीट करें, तो यहाँ पर आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट ऑल द वर्क बिफोर यू लीव, आई वॉन्ट यू टू सेंड मी द रिपोर्ट बिफोर यू लीव, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन टाइम। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि आप टाइम से आएँ, I want you to come on time. So here people make two simple sentences and they link it with some linking device, like they could say I want that you come on time. Why to do that when you have this lovely pattern to use? So simply say I would like you to come on time. So instead of making two simple sentences and linking them with a linking device, that or something else, you could rather say I want you to come on time, I want you to meet me on Sunday. और अगर politely कहना है तो I would like you to meet me or I would like to meet you. अगर दो person हैं, right, दो persons हैं और पहला person चाहता है कि दूसरा बंदा कोई काम करे, तब आप पैटर्न यूज़ करेंगे आई वुड लाइक, दूसरा पर्सन, आई वुड लाइक यू टू टॉक टू मी, आई वुड लाइक यू टू डू दिस वर्क। और अगर सिंपल एक पर्सन है और वो अपनी विश बताना चाहता है तो टू या फिर सेकंड पर्सन की कोई कंफ्यूजन नहीं है। द सिंपल सॉर्टेड सेंटेंस वुड बी आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू मीट योर पेरेंट्स। पर अगर पैटर्न कुछ ऐसे है जिसमें पहला पर्सन दूसरे बंदे से कोई काम कराना चाहता है, तब आप सेकेंड पर्सन के बाद टू यूज़ करेंगे वर्ब से ठीक पहले। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स से बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स से बात आप करेंगे, इसलिए आप मतलब सेकेंड सब्जेक्ट के बाद टू आएगा वर्ब से ठीक पहले। पैटर्न होगा आई वुड लाइक यू, राइट, पहले पर्सन क्या चाहता है, आई वुड लाइक, पहले पर्सन ने कहा मैं चाहती हूँ, पर एक्शन कौन करेगा, सेकेंड पर्सन। आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई पेरेंट्स, आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस वर्क, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। मेरे बॉस आपसे बात करना चाहेंगे, माई बॉस वुड लाइक टू टॉक टू यू, कौन बात करेगा, बॉस, माई बॉस वुड लाइक टू टॉक टू यू। पर अगर हमने कहा कि मैं चाहूँगी कि आप मेरे बॉस से बात करें, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, पहला सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोई काम कराना चाहता है तो सेकंड सब्जेक्ट के बाद टू आएगा। जैसे आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई बॉस, आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई बॉस। और आई से मैं चाहती हूँ कि आप अपने मैनेजर से कहें कि वो मेरे को कॉल बैक करें, मैं चाहती हूँ कि आप अपने मैनेजर से कहे कि वो मेरे को कॉल बैक करे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पर बहुत प्यारा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप समझ जाएंगे। आई वुड लाइक योर बॉस टू रिटर्न माई कॉल, और आई वुड लाइक योर बॉस टू गिव मी अ कॉल, आई वुड लाइक योर मैनेजर टू गिव मी अ कॉल, आई वुड लाइक योर टीम मैनेजर टू गिव मी अ कॉल। मैं चाहूँगी कि आप मेरी कॉल अपने मैनेजर से कनेक्ट करें। दो हैं पर्सन, पहला मेरी विश है और मेरी विश उसका एक्शन आप करेंगे, सो आई वुड लाइक यू, उसके बाद टू आएगा क्योंकि एक्शन सेकंड पर्सन करेगा, आप करेंगे। तो इंग्लिश होगी आई वुड लाइक यू टू कनेक्ट माई कॉल टू योर मैनेजर, आई वुड लाइक you to connect my call to your manager. Make sure you are speaking out all these sentences loud out, otherwise you're gonna forget, or you might remember the rules but when it comes to speaking you will fumble or you will stammer, you will be confused कैसे बोलना है, क्योंकि आप लैंग्वेज को बोलना तभी सीख पाएंगे जब आप इसे बोलेंगे. सो मेक श्योर यू गिव गुड फिजिकल एक्सरसाइज टू योर माउथ सो इट कुड प्रोड्यूस ऑल द साउंड सीमलेसली. नेक्स्ट सेंटेंस, आप किस टाइम चाहेंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए आऊँ. यहाँ पर भी दो पर्सन्स हैं क्योंकि आप पहला बंदा दूसरे बंदे से चाहता है कि वो उसको टाइम बताए. सो वॉट टाइम वुड यू लाइक मी टू कम, मतलब आप सेकंड पर्सन की प्रेफरेंस पूछ रहे हैं कि आप किस टाइम इंटरव्यू के लिए जाएं. एक बहुत फॉर्मल सेंटेंस है, बिजनेस इंग्लिश में आप इसे यूज़ करें, द अनदर पर्सन विल बी इम्प्रेस्ड. इट साउंड सो सोफिस्टिकेटेड. सो से व्हाट टाइम वुड यू लाइक मी टू कम फॉर द इंटरव्यू. व्हाट टाइम वुड यू लाइक मी टू कम फॉर द इंटरव्यू. आप क्या चाहेंगे कि मैं अब क्या करूँ. दो पर्सन्स हैं, पहला पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी प्रेफरेंस पूछना चाहता है कि आप क्या चाहेंगे कि मैं क्या करूं. इंग्लिश, व्हाट वुड यू लाइक मी टू डू. व्हाट वुड यू, व्हाट क्योंकि क्वेश्चन है आप क्या चाहेंगे मैं क्या करूं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी व्हाट वुड यू लाइक मी टू डू नेक्स्ट. और सिंपल व्हाट वुड यू लाइक मी टू डू नाउ. सो वुड की अपनी आइडेंटिटी को समझने के साथ साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दूसरे वर्ड्स के साथ जब कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन में आता है तो वो किस तरह यूज़ हो सकता है. इवन पर्सनली इफ़ आई टेल यू आई डो नॉट यूज़ वुड मच, rather I use it with these beautiful collocations like, would you mind and even would rather. Would rather, let's see how to use would rather to frame sentences for our everyday spoken English. So, you know, you speak sentences like, बाहर जाने से अच्छा मैं घर में रहना प्रेफर करूँगा. I would rather stay home than going out. Would rather, मतलब इसके बजाय, इसके अलावा, इसके सिवा, मतलब ऐसा करने से अच्छा मैं ये करूँगा. I would rather like to listen to ghazals than this loud trance music. I would like to listen to ghazals than this trance music. मतलब मैं trance music सुनने से ज़्यादा prefer करूँगी कि मैं अपनी पुरानी ghazals सुनूँ. Next sentence, impulsive decision लेने से अच्छा मैं prefer करूँगी कि मैं इस बारे में थोड़ा सोचूँ. English, I would rather think about it than taking an impulsive decision. I would rather like to think about it or I would rather think about it than taking an impulsive decision. Next आप would को use करते हैं past time के repetitive actions को बताने के लिए, मतलब वो सभी काम जो आप past time में repetitively करते थे उनको English में बताने के लिए आप would use करते हैं. हो सकता है यहाँ पर आप अभी used to use करते हो, जैसे हम लोग साथ में खेलते थे, we used to play together. This is absolutely acceptable but it is informal. To make it sound a bit more formal, like let's say you want to speak a sentence like, or maybe you're writing an article about Shah Rukh Khan and you want to write here कि शाह रुख खान अपनी करियर के अर्ली स्टेज में यहाँ रहा करते थे, तो यहाँ पर used to लिखना appropriate नहीं होगा, ये थोड़ा informal sound करेगा. तो आप कहें शाह रुख खान would live here during the early stage of his career. Would यहाँ पर ये बता रहा है कि ये action past time में repetitively होता था. शाह रुख खान would live here during the early stage of his career. Or you could make sentences like summer vacation में मैं अपनी नानी के घर जाया करता था. I would visit my granny's place during summer vacations. I would, future के लिए आपने अभी तक पढ़ा है कि ये will का भाई है और ये would में future के लिए use होगा, पर ये would का एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है. हो सकता है ये आपने आज तक कभी पहले ना सुना हो, बट दिस इज़ 100% करेक्ट एंड वैलिड. अगर आप कुछ फॉर्मल आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर वुड को पास्ट टाइम में यूज़ होते हुए कई बार देखेंगे, जहाँ पर किसी सेलिब्रिटी की या फिर किसी की भी पास्ट रिपीटेड एक्शंस के बारे में आप बात करना चाहते हैं. जैसे अगर मैं आपको बताऊँगी तो मैं कहूँगी कि ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड वी ऑल फ्रेंड्स वुड स्टडी टुगेदर. We all friends would study together, मतलब हम लोग साथ में पढ़ा करते थे. इसके अलावा आप would को यूज़ करते हैं imaginary situations को बताने के लिए, जो हमने conditionals में already पढ़ लिया है. और might be you haven't unlocked that video yet, so sooner or later when you come to that level, when you reach to that video, you will be learning in detail that how do we use would to talk about imaginary situations. Example के लिए imaginary situations like अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता, अगर मैं उससे मिलता तो ऐसा करता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेकंड क्लॉज के लिए हम विल ना यूज़ करके वुड यूज़ करते हैं। To learn it in detail, please refer to that video. Thank you so much. This was all about would. Now I would like you to watch this video again and jot down all the sentences you have learned in this video. And remember that writing down the sentences is just not enough. You have to make sure you're speaking out all the sentences loud out. Because English is not an academic subject which you could learn, okay? This is a practical skill which you have to acquire, and you will be able to acquire it only if you speak it. Learning grammar is one thing, but if you do not practice these sentences, this grammar will only confuse you, as you might have already watched a lot of videos on YouTube, you might have read a lot of blogs. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सुनते रहें, मैं लेक्चर सुनाती रहूँगी जब तक आप सुनना पसंद करते रहेंगे। कॉन्टेंट बहुत सारा है, पर प्रैक्टिस आपको करनी है, वो डिफरेंस आपको लेकर आना है लैंग्वेज में। तो जब ग्रामर सीखें तो ग्रामर जो सीखी है उसके सेंटेंसेस बोलने शुरू करें। अब फटाफट से वीडियो को लाइक करके मेरे चेहरे पर स्माइल ला दो अगर अभी तक नहीं करा है, और प्लीज़ इस वीडियो को, इवन कोर्स की सारी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक पर शेयर करें। इसको इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स बनाने में मेरी हेल्प करें, और मैं आपको इंग्लिश सिखाने में जी और जान लगा दूंगी। ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज। कीप प्रैक्टिसिंग।